हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं विकास स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। और दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे सुबह सुबह क्या नौटंकी कर रहा है। एक्चुअली यार, इसको बढ़ाने की सोच रहा हूं, वैसे कम आती है, आप सबको पता है। पर थोड़ा हल्का बियर्ड लुक में ट्राई कर रहा हूं। और बताइएगा कैसा लग रहा है। सही लग रहा है तो कुछ दिन कंटिन्यू करूँगा, नहीं सही लग रहा है तो इसको निकाल दूंगा। बाकी शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। आज हम चल रहे हैं अपनी स्कूटी की सर्विसिंग पे। फ्रंट कैमरा है, आपको दिखाई शायद सही ना दे। तो ये है टीवीएस एंटॉर्क, और ये पायल के ऑफिस आने जाने के लिए स्कूटी है। तो इसकी सर्विसिंग यार कई महीनों से ड्यू चल रही है, बीच में लॉकडाउन वगैरह हो गया था तो उसकी सर्विसिंग नहीं हुई थी। तो आज चलते हैं, इसकी सर्विसिंग करा के आते हैं। सर, क्या बता रहे थे आप? अब आप बड़े हो गए तो आपको मम्मा की जरूरत है। क्या जरूरत है मम्मा की? अब तो दादी आपको दूध पिला दी। अच्छा, किचन तक हाथ नहीं जाता? तो आपको किचन में काम करने के लिए मम्मा चाहिए है? अच्छा ठीक है बेटा, जाओ दूध पी लो। हाँ याद है आपको, मम्मा जब राइस बनाया था हाथ जल गया था मम्मा का, आपको याद है? मेरी बेटी की याददाश्त बड़ी तेज है भाई। 3-4 महीने पहले पायल राइस बना रही थी तो उसका पानी निकालते टाइम वो गर्म पानी हाथ पे डल गया था, उसको वो भी याद है। आप नहीं जरूर। तो दोस्तों चलते हैं। दोस्तों गर्मी बहुत है आज यार, सुबह 10 नहीं बजे और अब से पहले पसीने इतने निकल रहे हैं कि बस पूछो मत। और बल्कि कल बारिश हुई थी दिल्ली में, तब भी मौसम आज इतना गर्म है। और ये देखो, ये कितनी सारी गाय हमारे यहाँ कैसे ही घूमती रहती है भाई। भाई की गाड़ी खराब हो गई शायद। भाई देख सकते हो बैरियर लगे थे, पर कोई पुलिस वाला कोई खास पानी ध्यान देने के लिए एक बैठा था बेचारा, वो भी अपने मोबाइल में लगा हुआ है। तो समझ नहीं आता ऐसे बैरियर लगाने का फायदा क्या है, इससे अच्छा तो ना ही लगाओ। भाई पहले इन रेड लाइटों को ना कोई भी ऐसे तोड़ के भाग जाता था, जब से यहाँ कैमरे लगे हैं सब तमीज में खड़े होने शुरू हो गए। कैमरों का फायदा तो बहुत हुआ है। अभी यहाँ से 100 मीटर आगे स्पीड कैमरा भी लगे हुए हैं, तो ना कोई तेज चलता और ना एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। थोड़े कम हो गए हैं एक्सीडेंट के चांस भी जब से स्पीड कैमरे लगे हैं दिल्ली में। अब तो कहीं भी चले जाओ दिल्ली में, थोड़ी सी भी स्पीड ज़्यादा करोगे तो फट से चालान आ जाते हैं आपके। अब पता नहीं आप लोगों का आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे चलने की, ताकि आप लोगों से बात करता रहूँ और चलता रहूँ। भाई आप देख सकते हैं मेरे राइट में ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये मेरे ख्याल से दिल्ली का सबसे बड़ा एक्सपो सेंटर बन रहा है। जैसे अपना ट्रेड फेयर है और ऑटो एक्सपो वगैरह लगता रहता है प्रगति मैदान में, ये इसी तरीके का बन रहा है राइट साइड में, ताकि दिल्ली के अंदर जितनी भी भीड़ भाड़ होती है उसके चक्कर में वो ना हो। तो भाई आप देख सकते हो मेरे पीछे कितनी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी, ये देखो ये पूरा एक्सपो सेंटर बन रहा है। जो रुक के आपको इसीलिए दिखाया, ये करीबन 2-2.5 साल में इतना ज़बरदस्त एक्सपो तैयार होगा, उसके बाद हमें दिल्ली के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं। आउटर दिल्ली में हमारे यहीं सब कुछ है, पूरा एम्बेसी एरिया यहीं बनने लग रहा है, और ऊपर से ये सारे जितने भी एक्सपो लगेंगे, चाहे ऑटो एक्सपो हो, चाहे ट्रेड फेयर हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी व्यापार मेला वगैरह जो भी लगना है वो सब यहीं लगेगा। दोस्तों वैसे तो द्वारका में भी काफ़ी सर्विस सेंटर हैं, और टीवीएस का स्पेशली, यहाँ पे टीवीएस का सर्विस सेंटर अच्छा खासा बड़ा है, पर मैं फिर भी संभाल कर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ की सर्विस काफ़ी अच्छी लगती है एकदम। मतलब कंफर्टेबली आप सामने देख सकते हो आपकी स्कूटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहुत बड़ा सर्विस सेंटर नहीं है, पर हाँ इतना छोटा भी नहीं है, कॉम्पैक्ट है, पर सर्विस काफ़ी अच्छे से करते हैं।
भाई बाहर आके ब्लॉग करना भी बहुत मुश्किल है यार, ये पब्लिक ऐसे देखती है जैसे उनके घर में डकैती कर दी मैंने, ऐसे घूर घूर के देखते हैं पता नहीं क्या कर दिया हो। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see you. भाई फाइनली हम अपने टीवीएस सर्विस सेंटर पहुंच चुके हैं, तो हम अपनी गाड़ी को यहां पे देते हैं और उसके बाद अपना सर्विस कराते हैं। कितनी सर्विस लाइन में है? 4। तो भाई अपना 5वां नंबर है, तो अप्रोक्स 1 से 1.5 घंटा हमें लगी जाना है यहां पे, शायद ज़्यादा भी लग सकता है। बहुत अच्छा सर्विस सेंटर है ये, वेटिंग लाउंज सामने ही है, अपने सामने ही सर्विसिंग वगैरह होती रहती है, तो यहीं बैठो और सामने सामने सर्विस कराओ। पहले द्वारका में ही कराया करता था, जब से यहाँ सर्विस स्टार्ट की है तब से एक तो सर्विस बहुत अच्छी से करते हैं लोग, और दूसरा अपने आँखों के सामने होती है, तो और क्या चाहिए किसी को। हमारा जॉब कार्ड ऑलमोस्ट तैयार हो रहा है, एक बार टेस्ट कर लेना भैया इसका, ब्रेक वगैरह ठीक है नहीं है, मेरे हिसाब से तो ठीक है क्योंकि यूज़ तो ज़्यादा हुई नहीं लॉकडाउन में। ये भाई मैंने AMC करा ली थी यहाँ पे, तो सर्विस अभी हमें फ्री मिल जाती है एटलीस्ट लेबर अभी तक। तो अगर आपको भी AMC कराना और कुछ डिस्काउंट चाहिए तो आप आ सकते हो इधर और अपनी AMC करा सकते हैं, पर नई गाड़ी होनी चाहिए, नई ना कि पुरानी की भी कर देते हो फ्री सर्विस के बाद ही ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई पुरानी गाड़ी कोई लेके आया और उसकी भी कराना चाहे तो हो जाएगी, भाई पुरानी गाड़ी की भी हो जाती है, बस आपकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए सर्विस गाड़ी की, बाकी सब ठीक है। चलो भैया थैंक यू, वेट करता हूँ, चेक कर लीजिएगा अच्छे से क्या ब्रेक व्रेक सही है, चेंज करने पड़ेंगे ब्रेक व्रेक सही है चेंज करने होंगे कुछ, ठीक है चलो तो कर दो फिर अपने हिसाब से अच्छी सर्विस कर दो। यहाँ का अपना वेटिंग रूम है और सामने देख सकते हो आप, बाहर सामने सर्विस होती रहती है, देख सकते हो अपनी बाइक और स्कूटी, तो काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है इधर आके, ताकि अब सर्विस हो जाएगी उसके बाद निकलते हैं घर से। पिछले टायर में कितना प्रेशर होता है? 35 32 रहे, हमेशा 32 ही रहना चाहिए। तो देखो भाई मीटर से पूरा बढ़िया अपना प्रॉपर हवा डलती है इधर। कितनी देर और लग जाएगी इसे धुलाई में? हो गई भाई, अपनी स्कूटी धुल गई है, अब बिलिंग करा लेते हैं इसकी। थैंक यू दीपक भाई। दोस्तों फाइनली 2 बजे हम यहाँ से निकले हैं, 2:30 बजे पहले पहले हम अपने घर पहुँच चुके होंगे, आज लंच भी नहीं हुआ यार, तो भूख भी लगी है, तो घर जाके खाना खाते हैं। दोस्तों जब व्लॉग स्टार्ट किया था तो सोचा नहीं था इतना मुश्किल होगा, पब्लिकली व्लॉग करना आसान नहीं है क्योंकि जब बाहर आते हैं तो बहुत सी एजिटेशन होती है, बहुत से लोग अजीब तरीके से देखते हैं, बट हम एफर्ट डाल रहे हैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतनी मेहनत कर रहे हैं। और बाकी आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं अपनी इस फैमिली के साथ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अभी घर निकलते जाके खाना वाना खाएँगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। एंड दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और मैं विकास फिर मिलता हूँ आपसे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, चलते हैं घर। Bye.